और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एमसीडी चुनाव से जुड़ी है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की एक और खबर पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के 8 उम्मीदवार बदल दिए हैं। पहली सूची से बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों 8 प्रत्याशियों के नाम बदल दिए हैं। आप वार्ड याद रख लीजिए, वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 100, वार्ड नंबर 104 और वार्ड नंबर 155। ये वो चार वार्ड हैं जहां के उम्मीदवारों के नाम बदल दिए गए हैं। वार्ड नंबर 160 और वार्ड नंबर 136 में भी बीजेपी ने अपने तय उम्मीदवार के नाम को बदल दिया है। पहली सूची में जिन उम्मीदवारों के नाम थे उनमें से 8 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों में परिवर्तन किया गया है। उनको अब टिकट नहीं दे रही है बीजेपी, बीजेपी किसी और को टिकट दे रही है। क्योंकि बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस में तो हालांकि इतना देखने को नहीं मिला, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ऐसे कई लोग थे, ऐसे कई दावेदार थे जो टिकट पाते थे, लेकिन कई पूर्व पार्षदों को टिकट नहीं मिला। कई ऐसे दावेदार थे जो आने वाले समय में अवसर चाहते थे, उन्हें अवसर नहीं मिला। तो नाराज लोग तो बहुत सारे थे, नाराज दावेदार बहुत सारे थे, और अब इसी नाराजगी का परिणाम देखने को मिला है कि बीजेपी ने एमसीडी के 8 उम्मीदवारों को बदल दिया है जिनके नाम पहली सूची में थे। मेरे सहयोगी बलराम पांडे इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बलराम, हमने 6 वार्ड्स तो बता दिए हैं कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से 8 वार्ड हैं जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम बदल दिए हैं? देखिए हार्दिक, दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की है 232 उम्मीदवारों की, उसमें से 8 वार्ड ऐसे हैं जहां पर विरोध सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि उन 8 वार्डों के प्रत्याशी बदले जाएंगे, और देर शाम तक इसको लेकर के बैठक हुई, देर रात तक बैठक चली, और अंत में उन 8 वार्डों के प्रत्याशियों को बदला गया, जिसमें से हमने 6 वार्डों के नाम बताए हैं। 2 वार्ड और हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। वार्ड नंबर 35 है, वार्ड नंबर 100 है, वार्ड नंबर 104 है, वार्ड नंबर 155 है, वार्ड नंबर 160 है, वार्ड नंबर 136 है, जिनके प्रत्याशी बदले गए। हालांकि ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने अभी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली है, लेकिन हमने कल ही बताया था कि 8 वार्डों के प्रत्याशियों को चेंज किया जाएगा, क्योंकि ये जो मामला है ये शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा था। क्योंकि जो कार्यकर्ता वर्षों से बीजेपी में काम कर रहे थे, बीजेपी का झंडा उठा के चल रहे थे, उनकी अनदेखी करके कुछ बाहर से आए हुए प्रत्याशियों को मौका दिया गया था। यही वजह है कि इस मामले को जब तूल पकड़ता ने तो तत्काल चुनाव समिति की बैठक बुलाई, और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन 8 वार्डों के प्रत्याशी चेंज होंगे, और वो प्रत्याशी होंगे जिन्हें केंद्र की कमेटी ने और प्रदेश की कमेटी ने सुझाव दिया था। तो उन नामों में से एक को चुना गया और उस वार्ड से उसे प्रत्याशी बनाया गया। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने 8 वार्डों के प्रत्याशियों को चेंज किया, और 18 जो उनके बाकी बचे हुए वार्ड थे उनके भी नाम उसने कल देर रात। बिल्कुल बलराम, आप मेरे साथ बने रहिए। दर्शकों को ये बता दें कि बीजेपी ने एमसीडी के उन 8 उम्मीदवारों के नाम बदल दिए हैं जिनका नाम पहली सूची में था। 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी बीजेपी ने।